ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जनवरी के महीने में ATS ने मुमरा और औरंगाबाद में कार्रवाई कर ISIS से ताल्लुक रखने वाले 9 संदिग्धों को पकड़ा था और 6,500 पेज की चार्जशीट पिछले दिनों औरंगाबाद कोर्ट में ATS ने दाखिल किया है। इस मामले में जो मुमरा से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन पर आरोप है कि मुमरा के शंकर मंदिर में भंडारे में जहर मिलाकर बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि भंडारे का इन लोगों ने सर्वे भी किया था लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए और पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। इस मामले को लेकर ATS ने पिछले दिनों आरोपियों को लेकर शंकर मंदिर आई थी और ट्रस्टी और पुजारी से पूछताछ की गई। ट्रस्टी का कहना है यहाँ रोज कई लोग आते जाते हैं और प्रोग्राम के वक्त हजारों लोग आते हैं इसलिए किसी को पहचान नहीं सकते। श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम था, कम से कम 8 दिन का प्रोग्राम था, 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 8 तारीख को पूर्ण आहुति होने वाली थी। 7-8 हज़ार आदमी लोग से आए होंगे, एक अंदाज से बोल रहा हूँ। नहीं, पहले हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। जब वो औरंगाबाद की पुलिस आए, उन्होंने एक आदमी को लेके आया और उन्हें हम लोग को ऐसा मैंने चुपके से बोल दिया कि भाई ऐसा इस बात होने वाला था, कुछ होने वाला था, वो टल गया। अभी हम लोग को यहाँ पर कुछ थोड़ा ये करने का है, लिखा पढ़ी वगैरह करने का है, तो उन्होंने लिखा पढ़ी वगैरह थोड़ा बहुत कुछ किया था। आपको पहले से कुछ नहीं कुछ पता नहीं था? हम लोग तो क्या भगवान के भरोसे सब काम कर देते। कितने लोग लाए थे पुलिस में साथ में? 8-10 लोग थे वो। फिलहाल ट्रस्टी द्वारा पहचान नहीं किया जा सका है मगर ATS ने आरोपियों की चार्जशीट दाखिल कर कार्रवाई कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।